मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे डार्केस्ट वस्तु ब्लैक होल है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स करें, यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। वह क्वैसर है, एक सामान्य क्वासर। हमारे सूर्य से 27 ट्रिलियन गुना अधिक चमकीला है। क्वासर का नाम क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट अंडर रेडियो सोर्स से आया है, जिसका मतलब है धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्ट और रेडियो स्रोत। इसमें अनेक विशेष गुण होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि क्वासर अत्यंत दूरस्थ होते हैं, जिनका रूप वर्गीय प्रकार से गहरे अंतरिक्ष में विद्यमान होता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वासर आज की तुलना में कहीं अधिक आम थे। 1967 में मार्टिन श्मिट द्वारा की गई यह खोज स्थिर अवस्था ब्रह्मांड विज्ञान के खिलाफ और बिग बैंग ब्रह्मांड विज्ञान के पक्ष में प्रारंभिक मजबूत सबूत थी। क्वासर उन स्थानों को दिखाते हैं जहां महाविशाल ब्लैक होल तेजी से अभिवृद्धि द्वारा बढ़ रहे हैं। क्वासर इतना बड़ा है कि इसका आकार हमारे सूर्य से 1.6 अरब गुना है। क्वासर गहरे ब्रह्मांड में अत्यंत लंबी दूरी केई ग्रहों के पास पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल स्पॉट्स होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के सबसे दूरी विभाग में होते हैं। ये गहरे अंतरिक्ष में एक प्रकार के ब्रह्मांडीय फेनोमेना का हिस्सा है और इसका अध्ययन खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वासर की प्रमुख विशेषता यह है कि ये अत्यंत उच्च तापमान और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि विश्व में किसी भी अन्य विशेष ज्योतिष प्रकार के धब्बे से बहुत अधिक होते हैं। ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्वासर के बीच में एक महासंकट क्षेत्र होता है, जिसमें ब्लैक होल के आसपास मात्र कुछ ही साल के समय में ब्रह्मांडीय गैस और धूली का विस्फोट होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वासर का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के जन्म और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और यह खगोल शास्त्रीय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी दिखाता है कि ब्रह्मांड में किसी भी तथ्य को समझने के लिए हमें गहरे अंतरिक्ष की ओर देखने की आवश्यकता होती है, और क्वासर इसका एक बड़ा उदाहरण है। सबसे दूर के और इस प्रकार सबसे पुराने ज्ञात क्वासरों का निर्माण बिग बैंग के एक अरब वर्ष से भी कम समय के बाद हुआ था। अलग अलग क्वासर तब प्रकट होते हैं जब उनके केंद्रीय ब्लैक होल उच्च दर पर गैस जमा करना शुरू कर देते हैं। संभवतः किसी अन्य आकाश गंगा के साथ विलय के कारण केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान बढ़ जाता है। J1144 विशेष रूप से शक्तिशाली है, जो सूर्य से 100,000 अरब गुना अधिक चमकीला है, जो इसे ब्रह्मांडीय इतिहास के पिछले 9 अरब वर्षों में देखा गया सबसे चमकीला क्वासर बना